संसार के कोने कोने में जाकर समस्त सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मित्रों, आप सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को आप लोगों तक लेकर आते हैं और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन संख्याएं 14 से लेकर 20 तक। मित्रों, इस वचन में हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का एक दृश्य देखते हैं और प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के पहले, स्वर्ग में आरोहित होने के पहले अपने अनुयायियों को एक महत्वपूर्ण आदेश देकर जाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर समस्त सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उनकी मुक्ति होगी और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे और रोगियों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें चंगा करेंगे, वे सांपों को अपने हाथों से उठा लेंगे और यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इतना बड़ा एक सामर्थ्य, इतनी महान शक्ति प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को देकर गए हैं और ये किसी गिने चुने व्यक्तियों का काम नहीं है। हर एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पूर्ण विश्वास रखता है ये चिन्ह चमत्कार कर सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा करके अपनी महिमा बढ़ाए, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उससे उसके कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु का नाम महिमान्वित हो और प्रभु यीशु की महिमा क्यों होनी चाहिए, उस महिमा को देखकर लोग उनकी ओर आकर्षित हों और जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वे मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई विश्वास करेंगे और बपतिस्मा ग्रहण करेंगे उनका उद्धार होगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी। प्यारे मित्रों, जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है और जिन्होंने उनके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है उनका उद्धार निश्चित है, लेकिन उन लोगों को अपने आप को इस काबिल बनाना अति आवश्यक है। जब तक मैं स्वयं को उस मुक्ति के काबिल नहीं बनाऊंगा हो सकता है मैं उससे वंचित हो जाऊं और साथ ही मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, यदि मुझे उद्धार मिला है, यदि प्रभु ने मुझे चुन लिया है इस उद्धार को पाने के लिए तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी भी दी है। जाते जाते प्रभु ने मुझसे कहा है कि संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु के इस वचनों को, प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है और इस जिम्मेदारी को हर एक विश्वासी अपने आप से पूछे कि मैं किस हद तक पूरा कर रहा हूं। हमें कोई भी चांसेस नहीं छोड़ने चाहिए प्रभु यीशु को घोषित करने के, उनके वचनों को घोषित करने के। जहां कहीं भी हमें मौका मिलता है, जिस किसी भी रूप में मौका मिलता है, हम प्रभु यीशु की बात करें, उनके सुसमाचार की बात करें, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं रोमियो को लिखे पत्र अध्याय 8 में कि समस्त सृष्टि बड़ी उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जिस दिन प्रभु यीशु प्रकट हो जाएंगे। तो न केवल इंसान लेकिन समस्त सृष्टि एक बड़ी उत्कंठा से, बड़ी भूख और प्यास से प्रभु यीशु से मिलने के लिए भीतर ही भीतर वो कर्रा रही है और इंतजार कर रही है। कोई उस भूख और प्यास को सही रीति से समझ पाते हैं और मसीह को स्वीकार करते हैं और कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला है और किसी प्रभु के सेवक के द्वारा उन्हें ये बात बताई नहीं गई है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु के इस कार्य को अंजाम दें और समस्त संसार में, संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु के नाम को, उनके कार्यों को, उनके वचनों को घोषित करें। आमीन।